गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो आज मैं जा रही थी शहर किसी काम से, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए। तो रास्ते से मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी। और बस में बैठने के बाद सबसे पहला स्टॉप बस ने लिया था इस मंदिर के सामने। यहाँ पर हर कोई बस अपना स्टॉपेज लेती है, चाहे कोई सवारी हो या ना हो। तो बस में ना बहुत भीड़ थी, तो इसलिए मैंने अपने फेस को कवर कर लिया। और फिर जब बस से नीचे उतरी थी तब भी मैंने फेस को बाहर भी कवर करके रखा था, क्योंकि बहुत धूप भी थी। रास्ते में यहाँ पर कोई 3D टैटू की कुछ ऐसी शॉप लगी हुई थी, यहाँ पर 3D टैटू बनते हैं, और ये कुछ स्ट्रीट शॉप थी। फेस्टिवल सीजन में इस वाली साइड में चारों तरफ ऐसे बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी शॉप्स लगी होती है। अभी तो छोटी छोटी और थोड़ी कुछ इक्की दुक्की सी चीजें मिल रही थी। यहाँ पर कुछ टेडी बियर थे, वो भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, और ये बच्चों के कुछ ट्रैक्टर वगैरह और कुछ ये ऐसे थे। बहुत दिनों के बाद आज मेरा शहर जाना हुआ था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मंदिर में दर्शन कर लिए जाए। यहाँ तो अभी फिलहाल भीड़ नहीं थी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी मॉर्निंग में ही आ गई थी। वैसे आरती हो गई थी और अभी शुक्ल पक्ष की स्टार्ट हो गया था, तो फिर आज से भीड़ आना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो सर्दियों में तो ठंड की वजह से चारों ओर से यहाँ पर कर्टन लगा के रखते हैं। गर्मियों तो वैसे खुला रहता है गर्मियों में, और धूप लगाने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा पार्क भी बना हुआ है। चारों तरफ से मंदिर में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है डे बाई डे। बजरंगबली जी के इस वाले मंदिर में मत्था टेकने के बाद यहाँ पर पास ही में शिव मंदिर है, फिर यहाँ पर भी मैंने मत्था टेका। और फिर यहाँ पर आज मैं लेके आई थी कुछ नए एयरपोर्ट, तो उनकी टेस्टिंग की। गांव में अभी भी ठंड गई नहीं है, तो यहाँ पर आज धूप अच्छे से खिली हुई थी और चारों ओर से ग्रीनरी ग्रीनरी थी, तो मौसम भी अच्छा था। तो फिर मैंने यहाँ पर अच्छे से बैठकर थोड़ी देर के लिए धूप सेका और ये चारों ओर के एनवायरमेंट को खूब इंजॉय किया, क्योंकि बहुत अच्छा और सुकून वाला माहौल था यहाँ पर। तो मैं इस मंदिर में अपने कॉलेज टाइम से आ रही हूँ, तो उस टाइम इतना कुछ नहीं था, मतलब धीरे धीरे ये डेवलप हुआ है। और चारों तरफ अभी बहुत सारे पेड़ पौधे और फूलों के प्लांट्स भी बहुत अच्छे लगाए हुए हैं। वहां से आने के बाद करीब मुझे दोपहर हो गई थी, तो अभी बहुत भूख भी लगी थी। यहाँ पर कुछ मिठाई और पेस्ट्री वगैरह थी, लेकिन कुछ खाने का नहीं था मन, मतलब मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मुझे कुछ हेल्दी चाहिए था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पाइनएप्पल शेक मंगवाया और खाने के लिए कुछ फास्ट फूड ऑर्डर किया था। जब तक मेरा पनीर पिज्जा आया तब तक मैंने जूस को इंजॉय किया, लेकिन ये मुझे देखने में कुछ ज्यादा खास नहीं लगा, लेकिन टेस्ट में वैसे अच्छा था। मुझे पनीर पिज्जा पसंद है, तो इसमें पनीर मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मेरा मूड वैसे थोड़ा सा ऐसे खराब हो गया। लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने इसको खाया, तो हाँ, इसमें पनीर के बाइट्स बहुत अच्छे थे। और इसके बाद मैं आ गई थी अपने आई चेकअप के लिए। तो सबसे पहले भैया ने यहाँ पर मेरे चश्मे के नंबर पता किए, और इसके बाद इन्होंने अपनी ये अपनी लिस्ट वगैरह बनाई, जो कि इनका नेसेसरी प्रोसेस होता है। और अब बारी थी मेरे आई टेस्ट की, यानी कि नंबर टेस्ट करने की, जहाँ पर ये नंबर घटे बढ़े थे। तो थोड़ी बहुत देर भैया ने आई टेस्ट की, और उसके बाद पता चला कि मेरे नंबर कम हुए हैं, तो ये मेरे लिए एक खुशी वाली बात थी। हाँ, पॉइंट पर कम हुआ है, लेकिन कम हुआ है ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ से आई टेस्ट करने के बाद फिर मैं गई थी डॉक्टर के पास, जहाँ पर फिर से मेरी आई टेस्ट हुई। और ये इनके पास कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो किसी से पहले पूरी करनी होती है, और उसके बाद आपका नंबर आता है। तो रिसेप्शन काउंटर पर यहाँ पर मैम ने मेरे को सिग्नेचर वगैरह लिए थे, और उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास भेजा गया। उनसे पहले मेरी आंखों में कुछ ड्रॉप्स वगैरह आई ड्रॉप्स डाली थी, पता नहीं उसमें क्या था, वो इतना ज्यादा मतलब ऐसे कुछ दिखाई भी नहीं दिया, और पूरी तरह से डाइल्यूट किया गया था 2 घंटे के लिए। उन्होंने पूछा भी था कि आपके साथ कौन आया, तो मैंने बोल दिया कि मैं प्रॉपर यहीं से हूँ, तो आप मेरा आई टेस्ट कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इसे पहले डाइल्यूट करना होगा, तो फिर उन्होंने वो वाले प्रोसेस की, पूरे 2 घंटे लगे थे। इसके बाद मैं आ गई थी अपने घर, और ये वाली कुछ मेरी रिपोर्ट्स थी। तो खुशी की बात ये थी कि नंबर कम हुआ था,